वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डू इट लीगली। मेरा नाम ऋषिका है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायवोर्स के एक ऐसे ग्राउंड के बारे में जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर मेंशन्ड नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं केस की। 2006 में कपल की मैरिज होती है और फिर शादी के बाद उनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। दोनों एक दूसरे पे कोई एडल्ट्री पर, कोई मेंटल फिजिकल क्रुएलिटी पर या कोई डाउरी की मांग पर एलिगेशंस लगाते हैं। ये मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट कर देती है। वाइफ उस डाइवोर्स डिक्री से खुश ना होकर हाई कोर्ट में अपील करती हैं। हाई कोर्ट उस अपील को रिजेक्ट कर देते हैं ये कहकर कि आप 15 साल से अलग रह रहे हो और अब जब भी सेटलमेंट की बात की गई है पिछले सालों में कभी भी आप दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं हुआ गया है, तो फिर कोर्ट उस प्ली को रिजेक्ट कर देती है, यानी कि उनका डिवोर्स ग्रांट है तो वो ग्रांट ही माना गया कि हाँ अब आप दोनों डिवोर्स्ड कपल हो, अब आप दोनों एज हस्बैंड वाइफ नहीं रहोगे। यहाँ पर इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी करी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स लेने के लिए कपल को एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाने की ज़रूरत है, झूठे एलिगेशंस, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी की गलती हो। ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ कंपेटेबल ना हो साथ रहने के लिए, इसीलिए वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। सो हाई कोर्ट ने ये कहा कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को भी डिवोर्स का ग्राउंड बना दिया जाए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। इस पर, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट की भी एक लैंडमार्क जजमेंट आई है मई 2023 में ये, और इसमें 5 बेंच जजेस बैठे हुए थे यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 142 ये पावर है कि वो किसी कपल को डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।